जय श्री राधा कृष्ण आप सभी, आप सभी का, का हमारे यूट्यूब चैनल, चैनल पे बहुत बहुत, बहुत स्वागत है आइए आज, आज सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा जो भी भक्त व्रत्त 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 सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार के दिन मंगलवार के पूजन में हनुमान जी का पूजन करते हैं मंगल देवता का पूजन करते हैं मंगलवार का व्रत रखते हैं उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है मंगलवार के व्रत को करने से सभी प्रकार के दैहिक दैविक एवं भौतिक सुखों को देने वाला है संतान की प्राप्ति के लिए रक्त विकारों को नष्ट करने के लिए और आत्मशक्ति का विकास राज सम्मान प्राप्ति तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है श्री पद्म पुराण में मंगलवार के व्रत तथा कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है इस व्रत को प्रत्येक स्त्री या पुरुष कर सकते हैं मंगलवार के दिन इस दिन प्रातः काल उठ कर नित्य क्रियाओं ऐसी निर्मित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए इस दिन स्नान करते समय तिल और आंवले का चूर्ण भी आप लगाकर स्नान कर सकते हैं और फिर स्वच्छ रक्त वर्ण वस्त्र पहने और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए हे हनुमान जी हे मंगलदेव आज मैं आपके मंगलवार का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हूँ इस प्रकार से मन में संकल्प लेते हुए मंगलवार का व्रत को करना चाहिए मंगलवार के व्रत मंगल में दिन हुए इस व्रत को करना चाहिए एक समय मीठा भोजन आप मंगलवार के व्रत में कर सकते हैं कम से कम मंगलवार का व्रत 21 मंगल तक इस व्रत को रखना चाहिए और मनोकामना पूर्ण होने पर फिर मंगलवार व्रत का उद्यापन करना चाहिए तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय देवता की जय कि एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के अठासी हजार स्वर्ण ऋषि एकत्र हुए उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुनि आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथा बतलाई है अब, अब कृपा करके कली काल, काल की अल्प आयु होगी मानव जाति के हित, हित साधन, साधन के लिए सरल, सरल प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाले व्रत की कथा सुनाई जिससे अकाल मृत्यु दरिद्रता रोग, रोग शर्प भय शोक अपवित्रता तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले ऋषि मुनियों की उत्सुकता को देखकर श्री सूत जी बोले हे मुनियों आप सबने अत्यंत मनोरम लोक हितकारी प्रश्न पूछा है इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु आपके सत्संग लाभ के फल स्वरूप मुझे अनेकों व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है अब कृपा करके मनुष्यों की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कि कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजा आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, के लिए मैं, मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा कहता हूँ इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनो कुंडनपुर नामक, नामक, नामक एक नगर था।, था उसमें नंदा नामक निर्धन, निर्धन, निर्धन ब्राह्मण रहता था उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण यह था कि वह निसंतान था ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती साध्वी तथा पतिव्रता थी वह विनय पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी का भोग न लगा सकी और संध्या काल के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप भी हुआ कि आज पूजन व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम का पालन नहीं हो सका अतएव उसने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी ऐसा प्रण करके कर वह दुखी मन से सो गई, वह प्रतिदिन हनुमान जी का स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती पर स्वयं भोजन नहीं करती थी इस प्रकार उसने छह दिन व्यतीत कर दिए किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी इसकी यह निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट, प्रकट हुए, हुए और बोले, बोले कि हे मैं, मैं तेरी भक्ति, भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ तू वर मान सुनंदा बोली कि हे भगवान मुझे कोई संतान नहीं है, है। अतएव कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दीजिए श्री हनुमान जी बोले कि तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करे ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुआ मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा उसने सोचा कि कन्या के आगमन से मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथा समय गर्भवती हुई और दसवे महीने में उसे, उसे कन्या रूपी, रूपी रत्न प्राप्त हुई दसवें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार किया पुरोहित ने जन्म नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा कन्या के पूर्व जन्म संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया था कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है अतएव उसने पति से कहा कि, कि किसी योग्य सुंदर वर को देखकर अपनी पुत्री स्वर्णा का विवाह कर दे क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार आठ वर्ष की गौरी नौ वर्ष की रोहिणी तथा दस वर्ष की कन्या रजस्वला मानी गई है गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है किंतु रजस्वला कन्या का दान शास्त्र के विरुद्ध होने से घोर नरक की प्राप्ति होती है अतएव सब दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा परलोक को सुधारी पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा अभी तो स्वर्ण केवल दस वर्ष की वर्ष हुई है तुम तो व्यर्थ, व्यर्थ ही चिंता, चिंता करती हो मैंने, मैंने तो सोलह तो वर्ष, वर्ष, वर्ष तक की कन्याओं के, के विवाह, विवाह करवाए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं पति की बात सुनकर सुनंदा ने कहा कि रसवला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है रसवला का दर्शन करके नरक और घोर पातक के अधिकारी बनते हैं अतएव स्वर्णा की आयु शास्त्रोत्र विवाह के योग्य है ऐसा जानकर जान आप इसका शीघ्र अति शीघ्र विवाह कर दे पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे, आगे नंदा निरुत्तर, निरुत्तर हो गया उसने कहा कि मैं कल ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूध को भी इस कार्य में लगाऊंगा दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूध को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी कन्या के अनुरूप ही सुंदर वर ढूंढो अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारम्भ कर दिया शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणा व्रत में मिला वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मण वक्त से संपन्न था दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं भी अपने भाभी दामाद का निरीक्षण किया उसे सब प्रकार से योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गई और शीघ्र ही उसने अपनी सर्वगुण सम्पन्न कन्या का विवाह उससे कर दिया कन्या दान में नंदा ने सब प्रकार के धन धाने दिए कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया किंतु शीघ्र ही नंदा को मना स्थिति बदल गई सोने के लोभ के वशीभूत होकर वह विचलित हो, हो गयी उसने विचार किया कि कन्या का विवाह तो मैं कर ही चुकी हूँ कल प्रातः ही अपने पति गृह प्रस्थान, प्रस्थान करेगी इस प्रकार अब मुझे पुत्री, पुत्री स्वर्णा के अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त, प्राप्त नहीं होगा प्राप्त अब यह स्वर्ण उसके पति अर्थात जामाता सोमदेव को प्राप्त होगा मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्राभूषणों आदि में व्यर्थ हो गए शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ी भूल की है अब एकमात्र यह उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार पति गृह जाने से रोककर अपने ही घर पर रखा जाए इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जागता रहा और अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय किया जब तो कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा, करेगा। तो मार्ग में छिप कर उसका वध कर दूंगा और, और कन्या स्वर्णा को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा विधवा निराश्रय पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज में भी मेरी निंदा नहीं करेगा और स्वर्णा से मुझे पहले की तरह नियमित सोना प्राप्त होने लगेगा प्रातःकाल काल शुभ मुहूर्त विचार कर नंदा और सुनंदा ने जमाता तथा कन्या को धन धाने से संतुष्ट कर प्रसन्न चित्त सभी स्वजनों के साथ विदा कर दिया इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग में आकर जमाता सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य से छिप गया उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जामाता सोमदेव का वध कर दिया और लुप्त हो गया फिर कुछ समय पति के शब के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्णा के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा कि हे पुत्री लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया अब तू घर चल वहाँ पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता उसे जो अच्छा लगता है वही करता है अतएव तू धैर्य धारण कर जो भाग्य में लिखा है वही होगा इसमें किसी का कुछ भी नहीं पिता के कपट नीति पूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली कि हे पिता संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी माता पिता तथा सास ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी परंतु लौट कर घर नहीं आऊंगी अपनी कन्या स्वर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ और फिर वह विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया मेरा धन धान्य का अभिष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं देता इसके विपरीत ब्रह्म हत्या, हत्या के कारण साथ, साथ पुत्री, के पुत्री, पुत्री के शरीर, शरीर त्याग का पाप आ, भी मेरे सिर पड़ने वाला है इस प्रकार विचार, विचार कर पश्चाताप और, और गलानी, गलानी के के होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई, फिर स्वर्णा सोलह श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को शब को मुखा अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव प्रकट हो गए और बोले कि हे स्वर्ण तेरी पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न अतएव तू मनोवांछित वर मांग मंगल देव को प्रकट देखकर स्वर्णा ने भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम किया फिर विनर्म होकर बोली कि हे मंगल देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे पति को पुनर्जीवन दान देकर यह लोक तथा परलोक सार्थक करें। श्री मंगल देव ने मस्तु कहा और बोला स्वर्णा तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएगा इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। स्वर्णा बोली कि हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगल देव यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वरदान देने की भी कृपा करे कि जो प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नि लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कदापि न सतावे मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्रों से युक्त सुखी जीवन व्यतीत करे मंगल देव तथा अस्तु कहकर फिर वहाँ अंतर ध्यान हो गए मंगल देव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गया स्वर्ण अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगल देव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति पत्नी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे इस प्रकार से मंगलवार व्रत की कथा पूर्ण हुई तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय मंगल देवता की जय इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगलवार का व्रत करते हैं मंगलवार के व्रत में हनुमान जी का पूजन करते हैं मंगल देवता का पूजन करते हैं इसी प्रकार से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे जय श्री राधे कृष्ण धन्यवाद